नमस्ते जी सबको। तो आज का वीडियो ऐसे शुरू हो रही है कि हमने यूपीएससी का फॉर्म भरना था, तो वी हैड टू गेट क्लीन एंड बाकी आगे आपका दिन दिखाते हैं कैसा चल रहा है। ओके देखो जरा तो दीपक कैसा लग रहा है तुमने नहीं कराना आज से फोटो नहीं खिंचवानी आंटी जी को बोला डाकू आके बैठ गया एग्जाम आंटी जी को नहीं भेजनी हैं तुझे डाकू आके बैठ गया कौन भाई ठीक इतने भी माड़ा नहीं लग रहा है वैसे पिंपल्स वगैरह थोड़े सेट हो जाएंगे तुमने घी मक्खन बहुत खा लिया ना हमने मेरा ही तो निकल गया देखो तीन चार जगह निकल गया तुम्हें पछता भी चौथी जगह कहां है बताओ जरा तो अब चलते हैं भाई फोटो खिंचवाने के लिए ब्लॉग कर रहा था क्यों 101 दिन रह गया 101 तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या हाल हो रहे हैं 101 दिन से 101 का शगन लगा देंगे भाई फोटो खिंचवाने चलना प्लीज चल ले भाई नहीं मेरा भाई नहीं मेरा भाई भाई नहीं मेरा अभी लाइब्रेरी आया ये पढ़ दे दो भाई नहीं मेरा तो इतनी लेट क्यों आए हो रुक जाओ खाना खा कर 3:28 दिख रहा है उल्टा दिख रहा होगा खाना खा तो यार तो गुंडा लग रहा है ये तो पिंपल्स वगैरह तो मैं कम कर लूंगा थोड़े मक्खन घी बहुत ज्यादा हो गया था ना यार बाकी बताना यार इफ आई एम लुकिंग यंगर बेट दे रहा हूँ बेट ये बंदा सब उड़वाएगा और ये 50 इतना इंडिसाइसिव पर्सन है कि लिमिट नहीं ये कहेगा पहले आंखें से क्या देख रहा है इधर सर दिखता नहीं इसमें देख रहा क्या बोल रहा है भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिसाइसिव मतलब कि डिसीजन नहीं हॉच पॉच करना हां हॉच पॉच नहीं जो भी है हां वही भाई अभी और किसी की स्पेलिंग पूछ लूं हैं तू बता देगा हैं पूछे तुमसे चलो फिर हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में फोटो खिंचवाने जा रहा हूं मैं और भाई चल रहा है क्यों क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स करने पेपर में पढ़ना कैसे कैसे यूट्यूब से कर रहा है करंट अफेयर्स कैसे भाई लैपटॉप से चलो ठीक है यार फिर भाई पढ़ लेता दिखाइयो बाल कितने आगे अपडेट दे दें इन्हें चलो फिर अपन करते हैं फोटो खिंचाते हैं भीड़ दिखी है दूर से ही वो सारे बंदे फोटो के लिए खड़े हुए हैं देख लो तो जी अब अपन कर रहे थे अपना फॉर्म फिल इसमें यार कॉमर्स वालों के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे अदर्स भरना है क्योंकि बैचलर ऑफ कॉमर्स नहीं है बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है यहाँ पे बस तो इसका ध्यान ज़रूर रखना सारे के सारे भाई इतना घटिया बंदा नहीं देखा मैंने कहीं पर ठीक है जो अपने ना सिग्नेचर जो हैं उस पर क्या कहते हैं उसे जो अपलोड करने थे वो हल्के से छोटे हैं मतलब लेकिन जो उन्होंने दिखाया था ना उससे तो बड़े ही हैं पर इसने दिमाग में मेरे वहम पा दिया कह रहा भाई अभी भी छोटे अभी भी छोटे हैं तो इसने पा दिया दिमाग में वहम और बल्कि ना फॉर्म भरते हुए नीचे आता है कि आप चेक कर लो कि ऐसे तो नहीं दिख रहे तो मेरे ओके दिख रहे हैं उसके हिसाब से दिखा था तो छोटा कैसे दिखाया मैंने उसमें यार तो कितना बड़ा है वो उसमें वो था जो क्लियर ही नहीं दिख रहा और इतना छोटा है कि सीटी के बराबर मेरा उससे बड़ा साइज नहीं सबके नहीं होंगे तो मैं तो मेरा इसने पा दिया वहम मैं अपनी एक क्लास आधी छोड़ के आ गया यार फॉर्म भरने का दिमाग खराब हो गया हम तो खोट निकालने एक्सपर्ट है तुम बंदे ही घटिया हो और हंस रहा है तब से लेकर अबे तू हंस मेरी फिट हो गया बच गया तू भी बच गया अब वैसे तो मेरे को पता है कुछ नहीं होना लेकिन इसके बावजूद अभी अपडेट होता है फॉर्म 6 को तब मैं इसमें अपडेट अगर नहीं बोलते तो अपडेट भी नहीं करता मैं क्यों ना करता तूने साइन किया खाली हाफ साइन किया वही ब्लू पेन से किया ब्लैक पेन से करता यार फॉर्मल साइन करता फुल साइन पता है कह रहा है कि भाई तूने सिर्फ अनिरुद्ध है तेरे सिग्नेचर में आगे का डोंडियाल ना है पीछे का मतलब कह रहा मेरे में तो दीपक सौ है अबे भाई ये कैसी बात है यार मैं वैसे ही साइन करता हूँ यार तेरे को कोई इशू है कोई दिक्कत नहीं इशू है ये देख लो इसमें दिख रहा है क्या नोटिफिकेशन में लिखा है कि अपडेट कर सकते हैं हम 6 के बाद और ये बंदे ने मेरा दिमाग और ये बताया कह रहा मैं तो गंजा हो रखा हूँ मेरे को बाद में अपनी फोटो अपडेट करनी पड़ेगी तो मैंने कहा कर लिए इसमें क्या बड़ी बात हो गई है कह रहा है पहले तू फॉर्म अपडेट करेगा उसके बाद मैं अपनी फोटो अपडेट करूंगा कितना टच्चा बंदा है यार उसको बोले थे कि फॉर्म भाई मैंने कुछ गलत नहीं भरा तू बिना बात के मेरे दिमाग में वहम पा दिया तूने दिखाया कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन तूने फॉर्म दिखाया तू नहीं जाना कहां पर गलती है अगर आज नहीं बोलते तो गलती थी नहीं है साइन हल्का और बड़ा चीज रहा बड़ा हल्का बड़ा होता मैं अपडेट कर दूंगा 6 तारीख को और कोई इशू कोई
रामी क्या हो गया आज जल्दी का काम सैतान का होता है। चलो क्यों हम कल फॉर्म भरेंगे कल चलना दाढ़ी। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, तू मेरे साथ गया दाढ़ी मुश्किल है। हम स्लेट लेके खिंचवाएंगे अब स्लैब लेके खिंचवाएंगे। हाँ अब ये कह रहा है 2023 का जो फॉर्म भरा था उसमें देखते हैं करेक्शन डेट का क्या सीन रहा है कि लोग लास्ट ईयर के लिख रहे 2023। अरे ओए ओए कह रहा उसमें चेक करते हैं कि कुछ अगर वो मिल जाए कि बच्चों ने आगे क्या क्या मतलब उसके अंदर ओके था कि हम चेंज कर सकते हैं। वैसे तो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है उसमें पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। वरना मेरा तो करेक्शन अपडेट्स ये क्या है यूएन क्या लिखा है। अरे यार यूपीएससी लिख रहा भाई हाथ जा रहा है हाथ कहाँ पर है साले तेरा फॉर्म पक्का गलत भरेगा तुम्हें तुमसे अच्छा भरेगा ये तो 9 घंटा पहले का दिखा रहा भाई। कंफर्मेशन हो गया फोटो साइन वगैरह सब चेंज हो जाएंगे तो दीपक का भी बदलवा देंगे तब हम और मैं अपना भी। वैसे तो मेरा करेक्ट है पर मैं अपने डर के उसके हट के कर दूंगा फिर भी एक बार के लिए। क्या वीडियो दिखा दूं बच गया। अरे बच क्या गया मेरा वैसे ही सही है भाई। अगर हम ना तूने बस रहम पा दिया मेरे दिमाग में मैंने इसलिए मैं फिर भी कर दूंगा एक्सरसाइज बड़ा कर दूंगा अपनी टेंशन दिमाग से हटा देंगे। अगर हम ना बोलते ना बोलते तो मेरा पेपर आ जाता आराम से मैं पेपर देता अभी मेरी क्लास चल रही होती और क्या हदोगी यार कोशिश करना अगर आप ब्लैक ब्लैक पेन ब्लैक से कर दूंगा तो ऑफिशियल होता है साले हरे पेन से प्रिंसिपल करता है ब्लैक पेन। चलो मैडम सर अब खाना खाते हैं बढ़िया सा खाना दिखाता हूँ उसके बाद रूम पे जाऊँगा थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे ठीक है भाई। टुडे वी आर गोना ट्राई इन अ न्यू प्लेस विच इज कनिकास किचन। मैं बड़ा बिड़ू यार गुस्सा हो गया यार बोलता भाई कि एक बार तुम रिमाइंडर दिलाता ना कि भाई पेपर आ रहा सोच रहा हूँ क्लीन भी रहूँगा तब तक जब तक पेपर ना हो रहा हो अभी तक क्लीन का ही सोचता है। एंड दीपक सॉ दीपक सॉ कनिका जी की करता तुसी चलो कोई ना के बाय 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 कहते नहीं भाई अलविदा। चलो जी चले हम घर को हैं ओके। तो ठीक है यार दुनिया खत्म होता है बस हाँ 2-3 टिप्स फॉर्म भरने से पहले जितने लोग भी फॉर्म भर रहे हैं एक तो अपनी फोटो और जो आपके साइन होंगे उसको जरूर चेक कर लेना वहीं पे इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी कितने उस पर करना है। और जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है OTR गलत मत करना। वैसे ऑप्शन है कि आप बाद में करेक्ट कर सकते हो पर गलत करना ही क्यों है तो उसमें तरीके से फॉर्म भरना। और जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे ना यार उनके लिए वहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स नहीं है तो बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स भरने की गलती मत करना अदर का ऑप्शन होगा मैंने वही भरा पहले भी वही भरा था तो आप उसको भर सकते हो उसी को भरना ठीक है। मैंने पूछ भी लिया था 1-2 टीचर्स से और तो मेरे हिसाब से ऐसे कुछ नहीं है इसके अंदर एक्स्ट्रा। 100 रुपये की फीस है वो तो सब भर ही देंगे पर हाँ जल्दी जल्दी बहुत जल्दी की भी लोड नहीं है हफ्ते तक ना कोई सेंटर वैसे जाते नहीं है पर मैं भर देता हूँ अपना। और वो है कि फ़ोटो जिसने स्पेक्स लगाने हैं आगे इंटरव्यू या किसी में भी वो स्पेक्स लगा के ही फ़ोटो डालेंगे उसमें। एंड वेल इट इज़ रिटन कि जिस भी फॉर्म में आप अपना प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को रखोगे उसी तरीके से फ़ोटो आपकी अपलोडेड होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने भी क्लीन शेव करा बिकॉज इफ़ बाय गॉड्स ग्रेस एज वेल एज माई खुद की मेहनत अगर इंटरव्यू तक पहुँचे तो ऑब्वियसली इसी लुक में जाना होगा तो वो ज़रूर कर लेना। बाकी ठीक है जी नमस्ते गुड नाइट टेक केयर बढ़िया तरीके से फॉर्म भरो 100 दिन रह गए 101 पर अब 100 ही हो गया एक तरीके से अच्छे से तैयारी करना फुल ऑन और फाड़ देना पेपर के लिए सेम अप्लाइज फॉर मी गुड नाइट।